आज हम सब यहां पर प्रकृति को संरक्षण करने के लिए और किस तरीके से देश और दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के कारण केवल मानव ही नहीं जीव जंतु से लेकर तमाम सृष्टि पर रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं और यह हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसी चिंता के को देखते हुए क्योंकि भारत एक प्रकृति पूजक रहा है हमारी आध्यात्मिक में हमारी संस्कृति में हमारी जीवन शैली के अंदर हम हमेशा प्रकृति के नजदीक रहे हैं और प्रकृति के पूजक भी रहे हैं। इसलिए सारे विश्व के अंदर भारत की और हमारे देश की बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनिया के बदलते हुए जलवायु परिप्रेक्ष्य परिवर्तन में भारत नेतृत्व करे, देश के 140 करोड़ लोग नेतृत्व करें और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक नया दिशा दी है कि प्रकृति के अनुकूल जीना। विषय छोटा है लेकिन जीवन के लिए बहुत गंभीर विषय है। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी कि हमारे जीवन के हर पहलू के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सृष्टि के निर्माता थे और सृष्टि के बाद जिन्होंने सृष्टि को हमेशा संरक्षण करने का काम किया, आध्यात्मिक संस्कृति ज्ञान से लोगों को संदेश देने का काम किया, किस तरीके की सोच और चिंतन हो गया आप विचार करो कि उन्होंने हमेशा प्रकृति की पूजा की। दुनिया के अंदर पानी की कमी होगी ये कोई सोच नहीं सकता था और हमारे आध्यात्मिक और संस्कृति के वाहकों ने उस समय जल की पूजा, सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, पेड़ की पूजा, यह हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का एक हमेशा हिस्सा रहा था। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि हमने भौतिक संसाधनों वाली दुनिया के अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे हम प्रकृति से दूर होते चले गए। आज फिर प्रकृति ने हमें चुनौती दी है। अगर हम हमारे जीवन शैली को प्रकृति के नजदीक बना लें, हम किस तरीके से जल का संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से जिसको प्रकृति नष्ट हो सकती है उसके जीवन में हमारा हिस्सा न बने, और उसके लिए आप सब जानते हैं चाहे प्लास्टिक का उपयोग हो या ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं जिससे प्रकृति का नुकसान होता है, उस प्रकृति के नुकसान को वाली वस्तुओं को न अपनाना, ये अपने जीवन को अगर अपना ले तो एक दिन हम प्रकृति के वापस पूजक के रूप में और विश्व के नेतृत्व के रूप में बन सकते हैं। और इसीलिए जब पेड़ लगाने का अभियान जाता है तो
तो मन में मेरा एक ही विचार आता है कि मैं देश भी देखता हूं, दुनिया के कई देशों में भी जाता हूं और मैं देखता हूं कि किस तरीके से लोगों ने जन आंदोलन बनाकर अपने अपने शहर को, अपने अपने गांव को, अपने अपने मोहल्ले को, अपने अपनी गली को पेड़ों से हरा भरा कर एक ऐसा वातावरण दिया जिस वातावरण के हम नजदीक लेना चाहते हैं। आप ये जगह देख लें, अभी जब आप इस जगह पर खड़े हैं तो आपको एक अद्भुत रूप से आपके मन मस्तिष्क में, स्वभाव में, चिंतन में आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। केवल आपकी आंखों को नहीं, आपके हर हिस्से को, जीवन को आपको लग रहा होगा कि इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम चिंतित नहीं है। दुनिया और देश के अंदर जितने विशेषज्ञों ने अध्ययन किया उनका मानना है कि जो देश हरा भरा होगा, जो देश प्रकृति के नजदीक होगा, उनके लोगों में खुशहाली होगी, समृद्धि होगी और जीवन की जीने की राह में हमेशा एक हंसमुख और खुशहाल जिंदगी होगी। आप जब प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो आपको यह महसूस होता है और यही महसूस देश के हर व्यक्ति को हो जाए, समाज के हर व्यक्ति को हो जाए कि प्रकृति को संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बदलते परिप्रेक्ष्य के इस जलवायु परिवर्तन के अंदर मेरा इस सृष्टि के अंदर योगदान होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले, 200 साल पहले जो पेड़ लगाए उनकी छाया में मिलती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, हमारे मन शरीर दिमाग को अच्छा लगता है। चिंतन मनन के अंदर जब प्रकृति के नजदीक रहते हैं तो हमारे मानवीय स्वभाव को भी अच्छा लगता है और इसीलिए जो जो देश प्रकृति के नजदीक रहे हैं वहां अवसाद और तनाव चिंता कम हुई है। और अगर अवसाद तनाव चिंता कम करनी है, हमारे नौजवानों को विद्यार्थी जीवन से ही हम प्रकृति पूजक बनाने का काम करेंगे, हमारी संस्कृति के नजदीक ले जाने का काम करेंगे तो आने वाले समय में भारत नेतृत्व करेगा। और इसीलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इसको हमारे जीवन का जन आंदोलन बनाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी, सामूहिक जीवन में भी, सोसाइटी के अंदर भी, जहां भी हम रहें, हमारे मन विचारों के अंदर, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारी गली, हमारा घर हरा भरा रहे, स्वच्छ रहे, यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। और जब तक व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम स्वच्छता, हरा भरा बनाने को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, हम किसी सरकारों के आधार पर स्वच्छता और हरा भरा बनाने का अभियान नहीं कर सकते। भारत एक जन आंदोलन की धरती रही है, भारत एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में जीने वाला देश है। जहां लोगों ने आजादी लड़ाई लड़ी तो सामूहिकता के साथ लड़ी, मिलकर लड़ी। आजादी के बाद अगर देश को आगे बढ़ाने का काम किया तो सामूहिकता के साथ किया, मिलकर किया। कोई चुनौती, आपदा, इस संकट आया तो सामूहिक कार्य संस्कृति से हमने चुनौती, आपदाओं से निपटा। और आपने ये अभी की आपदा कोरोना के समय देखा होगा किस तरीके से कोरोना के अंदर हमने ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव देखा। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोरोना के अंदर लोग घरों पे थे तो हमारे पशु पक्षी सड़कों पर आने लगे थे। मैं दिल्ली के अंदर देखता था कि वहां पर कभी पशु पक्षी सड़क पर नहीं दिखते थे, पानी, गंदा पानी कभी साफ नहीं होता था,
लेकिन मानवीय उपयोग कम होने के साथ ही पशु पशी प्रकृति उन्नत होने लगी, पानी स्वच्छ होने लगा, वातावरण में एक अद्भुत वातावरण बनने लगा, और इसीलिए ये सब हुआ मानवीय उपयोग करते समय हमारे जीवन को प्रकृति के नजदीक बनाना, हमारी लाइफ स्टाइल प्रकृति के नजदीक होना चाहिए। और ये अभियान हम कोटा से शुरू करें, देश के अंदर उदाहरण दें, भारत का हर जनप्रतिनिधि, भारत की हर सिविल सोसाइटी, भारत का हर नागरिक इस अभियान के साथ कि मुझे मेरे इलाके को हरा भरा बनाना है, मेरे इलाके को स्वच्छ बनाना है, मेरे इलाके को प्रकृति के संरक्षण के नजदीक बनाना है, तो यह अभियान निश्चित रूप से सफल होगा। और इसीलिए मेरा आपसे इतना ही आह्वान है, ये वृक्षारोपण का आगाज नहीं है, यह हमारे जीवन को जीने के बदलने की प्रक्रिया है। आए हम सब मिलकर हमारी लाइफस्टाइल को प्रकृति के नजदीक लाएं और इस शहर भर इस गांव को एक देश और दुनिया में उदाहरण देके बताएं कि किस लगे तरीके से जन आंदोलन के माध्यम से हमने हमारे शहर को हरा भरा बनाया। और मुझे तो विशेष रूप से जब कभी देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं और देश के बाहर भी जब अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो मन में हमेशा पीड़ा रहती है। जब मैं मंगोलिया गया तो मंगोलिया में भी मुझे वहां पर चाहे सड़कें देख लो, चाहे जंगल देख लो, किलोमीटर तक सब जगह हरा ही भरा रहा नजर आता था। शहर का कोई रोड नहीं जिस रोड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन हरा भरा होने के कारण वो शहर सुंदर दिखता था, प्रकृति के नजदीक बनता था। तो क्यों नहीं हम हमारे शहर को ऐसा बनाए, क्यों नहीं हमारे मन में विचार आता कि हमारे एक पेड़ लगाने से हम पर्यावरण को कितना संरक्षण कर सकते हैं। और ये विचार विद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे के जीवन में हो जाए और जीवन में वह जब जब उसका जीवन प्रकृति के नजदीक होने लगेगा तो उसकी आने वाली लाइफ स्टाइल भी इसी तरीके की हो जाएगी। इसलिए विद्यालय के संचालक भी यहां बैठे हैं, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि जीवन में बच्चे को जैसा ढालते हैं, जैसी कार्य संस्कृति उसकी बनाते हैं, जैसा विचार उसका बनाते हैं, उस विचार और संस्कृति की तरफ ही बच्चा आगे बढ़ता है। इसलिए हमारा आगाज होना चाहिए कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जो पैदा होने के बाद समझने लगा है वह कंप्यूटर चलाए। कभी माता पिता बड़े खुश होते हैं, देखो हमारा बच्चा कंप्यूटर चलाता है 3 साल का है, कभी कहते हैं कि देखो ये मोबाइल चलाता है। उसके जीवन में ये विचार भी डालें कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के नजदीक होना चाहिए, प्रकृति के नजदीक होना चाहिए, तो हम जीवन को नहीं बदल सकते क्या? अगर हम जैसी संस्कार उसके डालेंगे, जैसे विचार उसके मन में डालेंगे, उस विचारों को लेकर आगे बढ़ेगा और दुनिया में व्यक्ति रहे न रहे लेकिन विचार हमेशा जीवंत रहते हैं। और इसीलिए यह धरती महापुरुषों की धरती है, यह धरती संतों की धरती है और हम विचारों के आधार पर ही, संत ऋषि के विचारों के आधार पर ही आज दुनिया के अंदर 25,000-30,000 सालों के बाद भी भगवान राम के हो, कृष्ण के हो, हर व्यक्ति जिन्होंने इस सृष्टि में अपना योगदान दिया है उनके विचारों को आत्मसात करने का काम करते हैं। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, हम प्रकृति के नजदीक लाने का इस अभियान को आगाज करें। हमारी लाइफ स्टाइल हमेशा जीवन में किस तरीके से पानी बचा सकते हैं, कैसे अभिष्ट सामान है जिससे पर्यावरण दूषित हो सकता है, हमने पन्नी फाड़ी फेंक दिया, हम पन्नी को जेब में रख दिया, डस्टबिन बनाया, गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया, उसका खाद बनेगा। कितने लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने जिंदगी अपनी समर्पण कर दी इस पर्यावरण के लिए,
और यही जिंदगी का समर्पण हम अगर करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां और खुशहाल होगी और समृद्ध होगी। जो जो देश पर्यावरण के नजदीक रहा है, प्रकृति के नजदीक रहा है, उस देश ने सामाजिक आर्थिक भी प्रगति की है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उसके जीवन का उत्तम स्वास्थ्य रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम जानते हैं कि पेड़ लगाने से हम जीवन का उत्तम कार्य कर रहे हैं, पुनित काम कर रहे हैं, तो ये पुनित कार्य उत्तम कार्य हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।